नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। सीटेट परीक्षा 2022 के छात्रों के लिए काफी बड़ी सूचना अभी सीबीएसई ने जारी कर दी है। जितने भी छात्र हमारे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे उनका वेट खत्म होता हुआ, साथ ही साथ सीटेट परीक्षा 2022 में नया नियम लागू किया जाएगा। जितने भी सीटेट 2022 के छात्र आज की वीडियो देख रहे हैं अंत तक बने रहे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आगे भी सीटेट परीक्षा से रिलेटेड अपडेट आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुंचा जाती रहे। तो सीटेट पेपर एक पेपर दो के लिए ऑनलाइन आवेदन को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। शिक्षा मंत्रालय ने यहाँ पे फटकार लगाई है। जितने भी सीटेट 2022 के छात्र हैं उनके लिए काफी बड़ी सूचना। सीटेट 2022 जल्द शुरू होंगे। सीटेट के लिए आवेदन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई को लगाई फटकार। आपको बता दें सीबीएसई लगातार सीटेट का नोटिफिकेशन डिले करता आ रहा है। बीते एक साल डेढ़ साल से यहाँ पे सीटेट का एग्जाम नहीं हो पाया, जिसके कारण इस बार रिकॉर्ड 30 से लेकर 35 लाख छात्र जो है सीटेट में अप्लाई करने की अनुमान लगाए जा रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। सीबीएसई को जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आज काफ़ी बड़ा फटकार लगाया कि बीते डेढ़ साल से आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं बीते एक साल से ठप हैं और कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है सीटेट एग्ज़ाम के कारण। और आप सभी बता दें सीबीएसई अब आप सभी लोगों का अगले सप्ताह तक जो है सीटेट का नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई अगले सप्ताह तक आपका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। सीटेट की ऑफिशियल साइट CTET.NIC.IN पर आप सभी का नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर तक जो है जारी हो जाएगा। साथ ही साथ इस बार तीन काफ़ी बड़े अपडेट आ रहे हैं। इस बार एग्जाम पैटर्न में दोस्तों आप लोगों को चेंजमेंट दिख सकता है। एग्जाम पैटर्न के साथ साथ एग्जाम को जो है ऑफलाइन माध्यम में कंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस बार 30 से लेकर 35 लाख छात्र जो है अप्लाई कर सकते हैं। अधिक मात्रा में छात्रों के अप्लाई होने के कारण इस बार एग्जाम का जो है मोड भी जो है ऑफलाइन किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें एग्ज़ाम में इस बार जो है आप लोगों का कट ऑफ भी कम किया जा सकता है। ये काफ़ी बड़ी खबर है।